आपसे जानना चाहूँगी, अगर हर्लिन की कैरेक्टर समीरा को इस बार अगर सीजन में आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप किस तरह से करेंगे? मुझे उनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना हो, शी इज़ बीन वेरी टफ यार, मतलब बस मैं इतना ही, शी इज़ बीन वेरी टफ। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदी हैं इस बार, एंड यू नो बिकॉज ऑफ हर पास्ट एक्सपीरियंसेस शी इज सॉर्ट ऑफ यू नो जो एक आई थिंक हर इंसान करता है, ये कुछ सर्टन एक्सपीरियंस के बाद हम एक शेल क्रिएट कर लेते हैं खुद के लिए, तो वो शेल क्रैक करना बहुत मुश्किल था, बाकी वो हुआ नहीं, वो आप सीजन में देखिए। ओके, हेलन आप क्या कहेंगी, इनके कैरेक्टर को आपको इस सीजन के लिए डिस्क्राइब करना हो तो कैसे कहेंगे आप? मैं जैसे उन्होंने कहा मैं टफ थी, मैं इनके बारे में कहूँगी बहुत ईजी थे, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी इनके लिए। सो लाइक यू सेड, जैसे सीजन वन में ही डिड नॉट गिव इन एज मच एज ही शुड हैव गिवन इन अ रिलेशनशिप, ये सीजन में वो काफ़ी देते हैं, सो ही इज मोर ऑफ अ गिवर इन दिस रिलेशनशिप, वेयर एज समीरा सॉर्ट ऑफ होल्ड्स बैक। So that is how Veer and Samira are in this season. Okay, Vikrant, आप real life में इनके बारे में describe करना होगा तो किस तरह की हैं ये? अरे ये बहुत मज़ेदार बंदी हैं, और ख़ास तौर पे मैं मेरा इनसे रिलेशनशिप बिसाइड्स वर्क भी है, क्योंकि ये इनके जो ब्रदर हैं करण, वो बैठे हैं वहाँ पे, वो मेरे दोस्त हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं साथ में। शी इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट को एक्टर्स आई हैव वर्कड विद, एंड इट्स ऑलवेज अ फन टू वर्क विद हर, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत चिल्ड आउट है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको इनके बारे में। हलीन आप क्या कहेंगी विकास के बारे में? Like I said, I was always looking forward to working with Vikrant because he comes with so much experience and with so much ease on set. So इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है हमेशा, और जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत ही humble, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, so सबसे पहले उनकी वो बात stand out होती है, so that's something I really look up to him for, that he's first a better human being than an actor. Oh wow, that's so sweet. आप से एक last चीज़ जानना चाहूँगी कि अगर इनके बारे में बताना हो तो दो चीज़ें इन्होंने off screen की हो तो वो क्या रही, क्योंकि ये fans ऑफ स्क्रीन क्या करना, ये क्या करना पसंद करती हैं? ये ऑफ स्क्रीन टचअप बहुत करती हैं, ये टचअप करती रहती हैं अपना बैठ के, और क्या पसंद है, ये रिहर्सल बहुत करती हैं, ये रीड करती रहती हैं, बट वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, ये बहुत सीरियस हो जाती है बात, ये टचअप करती रहती हैं काफ़ी, और ये खाती भी बहुत हैं, ये खाती भी बहुत हैं, ये मतलब ये जो आप देख रही हैं ये फिटनेस जो है ये मेहनत बहुत करती हैं उसके लिए, लेकिन ये खाती भी उतना ही है, ये सैलेड मतलब इतना आता है, बट देन हम बोलते हैं कि कहाँ जाता है, शी रियली वर्क्स आउट सो हार्ड एंड शी शेड्स ऑल ऑफ दैट, ये शी इज़ अ पक्की सिदारनी। जल्दी से हल्का आप बता दें ये क्या करते हैं? हाँ, ये क्रिकेट खेलते हैं अपने फ़ोन पे, और बार बार इनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब लाइटिंग चेंज हो रही है तो हम चाहते हैं कि थोड़ी गप्पे मारें, बातें करें, थोड़ी गॉसिप करें, बट ये या तो किताब लेके बैठ जाता हूं या तो अपना गेम लेके बैठ जाता हूं, तो ये अपनी गेम में बिजी होते हैं सारा दिन। हाय, आई एम विक्रांत मैसी। हाय, आई एम हरलीन सेठी, एंड यू आर वाचिंग अस ऑन टेली मसाला। थैंक यू।